नमस्कार, इंडिया वाइज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अलीगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। अलीगढ़ में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम के लिए जनता से वोट मांगे हैं, तो वहीं भाजपा की योजनाओं का गुणगान किया है। अलीगढ़ पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन से एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम के लिए वोट मांगे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में गुणगान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सफल मुख्यमंत्री बताया है, तो वहीं प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ वासियों से डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद गर्व की बात कही है। प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, उस तरीके से कहीं ना कहीं अलीगढ़ वासियों के लिए एक गर्व की बात है। तो वहीं गुणगान करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की हींग अलीगढ़ के तालों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस सरकार ने, भाजपा सरकार ने हाथरस में 40,000 से ज़्यादा गरीबों को घर बना के दिए हैं, तो वहीं मोदी की गारंटी है कि अब वे सरकार में आने के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाकर गरीबों को देंगे और इन घरों में लगने वाले ताले अलीगढ़ से जाएंगे। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जनता से वोट करने की अपील के साथ साथ कहा कि जब मतदान करने जाएं तो मतदान को करते जाते समय एक उत्सव मनाएं, छोटे छोटे जुलूस मनाएं, जुलूस के साथ मतदान करने जाएं। तो वहीं कहीं ना कहीं पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें और उत्सव मनाएं। जब वोट करके आएं तो उसके बाद उत्सव मनाएं और उसके बाद ही उत्सव के रूप में जलपान करें। तो वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की कि वह उनका एक पर्सनल काम कर दें। पर्सनल काम में मोदी जी ने कहा कि वे जनता से अपील करते हैं कि वे सब लोगों के घर जाएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि आज अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनके द्वारा उनको राम राम और राधे राधे बोला गया है। और सभी लोगों से अपील करते हैं वे घरों में जाएं, लोगों को जागरूक करें, मतदान करने की बात करें और कहीं ना कहीं साफ तौर पर खुले लफ्जों में उनके द्वारा कहा कि NDA के लिए साफ तौर पर वोट किया जाए। और जिस तरीके से भारतीय लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उस तरीके से NDA को वोट करें, तभी उनको एक विकसित भारत मिलेगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाह। संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुआ हमला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके सांसद बेटे परवीर निषाद पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया। हमले के बाद कैबिनेट मंत्री ने धरना दिया और सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट और हमला करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर लिया है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री की इस हमले में नाक टूट गई है, वहीं उनके बेटे सांसद परवीर निषाद को भी गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे परवीर निषाद संत कबीर नगर में NDA यानी BJP के प्रत्याशी हैं। कल देर रात डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे परवीर निषाद मोहम्मदपुर गांव में चुनाव प्रचार करने गए थे, जहां पर वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होते ही डॉक्टर संजय निषाद के बेटे परवीर निषाद से वहां मौजूद लोगों की कहासुनी शुरू हो गई। इस कहा दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। रविवार शाम को गाजीपुर जो लैंडस्लाइड है उस पर आग लगी हुई है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो राजनीति हो रही है वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, फायर की गाड़ियाँ दर्जनों के आसपास लगी हुई हैं आग बुझाने में, लेकिन अभी तक वहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया गया। वही बता दें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष BJP के उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस जगह का आग लगी है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह सवाल खड़े किए MCD में आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने कहा था कि जो हम दिल्ली में आएंगे तो कूड़े के ढेर को समाप्त कर देंगे, लेकिन जिस तरह से जो आग लगी है वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं,
जहाँ जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है वो कहीं ना कहीं खतरनाक महसूस किया जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो केमिकल निकल रहा है, जो हवा में घुल रहा हुआ है, जो कूड़े से निकलता है, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी से हम वहाँ पर काबू पा लेंगे, लेकिन 24 घंटे से आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर कोई काबू नहीं पाएगा। दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं, एमसीडी के कर्मचारी वहाँ मौजूद हैं, वो लगातार काम करें, खोद खोद कर उसमें पानी डाला रहा है और साइडों से भी पानी का बुछार किया जा रहा है। देखना भी होगा कि आखिरकार जो ये जो गाजीपुर में आग लगी है इसका कितना बड़ा रूप और लिया जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी अर्थव्यवस्था सुधारने की तैयारी नहीं है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य को लेकर बात का भी चिंता है। दिल्ली से चौहान। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, दरअसल आज इस मामले को लेकर के एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई हुई। सुनवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना तो दूर, बल्कि याचिकाकर्ता को ही ये याचिका भारी पड़ गई। जी हाँ, दरअसल आज याचिकाकर्ता ने जब हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो दलील के दौरान याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि उन करोड़ों दिल्लीवासियों का पक्ष रख रहे हैं जिनके काम रुके हुए हैं। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि ये जनहित को लेकर के याचिका है और इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी काम कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों का जो काम है वो अटके पड़े हैं, और इसी वजह से वो इस याचिका के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके विरोध में साफ तौर पर कहा, कोर्ट ने कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और इसीलिए इस ना केवल इस याचिका को रद्द किया गया बल्कि याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के मांग कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि क्या आप मुख्यमंत्री की तरफ से हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में तिहाड़ जेल से केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। केजरीवाल को लेकर के आज स्वास्थ्य को लेकर के सुनवाई थी। बता दें जिस तरह से राउंड कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के बहस हुई, वहीं बता दें अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर पूरी तरह से लापरवाही है। जैसे कि सूत्रों से बता रहे हैं कि उन्होंने पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कोर्ट में कहा कि तिहाड़ जेल जो रिपोर्ट दे रहा है वो झूठी है, यानी कि सीधा सीधा तिहाड़ जेल पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर सामान खड़ा किया था। तो बता दें सूत्रों से जैसे जानकारी आ रही है, वहीं ईडी ने भी कहा और स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई भी खराबी या कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका स्वास्थ्य सही है। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा, उनका डायबिटीज काफ़ी बढ़ती जा रही है, 300 के पार है, लेकिन उसको सुनवाई लेकर आज पिटीशन डाली गई थी, उसको सुनवाई थी। लेकिन जहाँ तरह से अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया कि तिहाड़ जेल के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, जो सुधार है, जो सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे में बताते हैं कि सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार एक मौजूदा मुख्यमंत्री इस तरह से तिहाड़ जेल की जो व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। अब देखना ये होगा क्या सच्चाई कितनी है, क्योंकि जो सवाल सामने आता है ये पूरा सिस्टम को हिलाने की बात करता है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। लखनऊ में सपा ने एक और लिस्ट जारी कर दी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। समाजवादी पार्टी की एक और सूची जारी हुई है जिसमें बहुप्रतिष्ठित सीट कन्नौज से तेज प्रताप यादव और बलिया से सनातन पांडे का नाम सूची में जारी किया गया है। हालांकि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, अब इस अटकल पर पूरी तरह से विराम लग गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वह कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कयास भी लगातार चल रहा था, लेकिन आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां पर लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तेज प्रताप यादव मैनपुरी सीट से सांसद भी रह चुके हैं।
कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने को लेकर परिवार में राग छिड़ गई थी और मुलायम सिंह यादव के परिवार के दबाव के चलते तेज प्रताप यादव का नाम घोषित करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बात करें बलिया सीट पर, तो बलिया सीट पर सनातन पांडे को उतार कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। यहाँ पर पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज बीजेपी से प्रत्याशी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से ईडीए नारे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो गए तो अब ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष की सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोलती ही बंद कर दी है। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन और टिकट बंटवारे को लेकर रार चल रही थी और यहां तक बदायूं सीट की तर्ज पर कहीं न कहीं कन्नौज सीट पर भी रार पैदा हो सकती थी, जिसे कंट्रोल करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान, कन्नौज सीट पर तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐसे में लोकसभा की तस्वीर क्या होगी या आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में भाजपा के विधायक बहन दिलीप रावत का एक और सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल होने लगा है। भाजपा विधायक का ये सोशल मीडिया पोस्ट सीधे तौर पर भाजपा के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा में कांग्रेस नेताओं की एंट्री हो रही है, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा विधायक ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते। उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया जा चुका है, तो ये समझा जा सकता है कि अभी इशारों में जो बात कही है उसको लेकर भाजपा में चिंतन शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या कुछ बातें हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई है उसके संदर्भ में जानने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी विधायक की पोस्ट सीधे तौर पर प्रदेश की सियासत को गर्म कर रही है। कैमरा मैन अतुल था, तो भाई कैंतुरा, इंडिया वाइज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 से पहले रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हुआ। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है और इसके लिए जो तैयारियां हैं अभी से जोरों से चल रही है। अगर मैं पंजीकरण की बात करूं तो 7 दिनों में 12,48,000 जो पंजीकरण है वो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो पिछले साल से अगर अब तक की मैं बात करूं तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है। कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद भी लगाई गई है कि करीब 85 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। और इसी के तहत जो सरकार है लगातार व्यवस्थाओं में जुट चुकी है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों या सड़कों का निर्माण हो, और इसी के तहत लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऑडिट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस बार चारधाम का क्या स्वरूप होगा और साथ साथ कितनी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाएगी। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कोर्ट से बड़ा झटका। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अमन। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को हाई कोर्ट से झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य की दूसरी शादी के मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसकी खारिज करने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें पूरा मामला स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य की दूसरी शादी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेके जो वादी पक्ष था जिसने संगमित्रा मौर्य सहित स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी मुकदमा लिखा दिया था, जिसमें मारपीट और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेके कोर्ट ने उनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस वारंट को खारिज करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोर्ट में अपील की थी। वहीं उनकी इस अपील को कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ा झटका दिया है। लखनऊ में सीबीआई को लगा झटका। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। पूर्वांचल के माफिया डान व मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हुई हत्या मामले में सीबीआई की तरफ से तैयार चार्जशीट को कोर्ट ने वापस कर दिया। कोर्ट ने
सीबीआई से यह भी कहा कि इस मामले में जेल में शिफ्ट होने और हत्या होने तक की कड़ी नहीं जुड़ रही है। फिलहाल अब कहीं न कहीं सीबीआई को कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में बागपत जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से सुनील राठी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली थी। सीमा सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उनके पति की हत्या पूर्वांचल के एक बाहुबली और कुछ अफसरों ने साजिश के तहत करवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मामले को लेकर सुनवाई हुई, क्या रहा फैसला बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। इस जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से जो शाही ईदगाह की ज़मीन है उसे देने की मांग को लेकर के याचिका की गई है। दरअसल इस पूरे मामले में 18 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए है, जिस पर लगातार कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसी सिलसिले में आज भी सुनवाई हुई। पिछली तारीखों को वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी तमाम दलीलें दी गई थी। इस याचिकाओं की पौष्टिकता पर सवाल उठाया गया था। वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसकी पौष्टिकता पर सवाल उठाया गया था। वहीं हिंदू पक्ष लगातार जो दलील दे रहा है उसके आधार पर वो ये डिमांड कर रहा है कि न सिर्फ ईदगाह की जो ज़मीन है या परिसर है वो उन्हें सौंपा जाए, साथ ही साथ ASI और अमीन सर्वे भी कराया जाए ताकि इसकी सत्ता सामने आ सके। और इसी को लेकर के दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। आज हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें दी गई हैं। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर सुनवाई 11:30 बजे से होगी, जिसमें कोर्ट में अपना पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही ये सुनवाई पूरी होगी और इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल आज की सुनवाई में जिस तरह से सुनवाई की गई है, हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें दी हैं, अब 30 अप्रैल को उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, कोर्ट इस पर कब निर्णय देता है, इस सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगा। शोएब रिजवी, डिवाइस प्रयागराज। रामपुर के MP MLA कोर्ट में पेश हुई जयप्रदा, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। आज रामपुर पहुंची पूर्व सांसद जयप्रदा। रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट पहुंचने के बाद जयप्रदा ने 313 CRPC के तहत अपने बयान दर्ज कराए। आपको बताते चलें कि जयप्रदा पर वर्ष 2019 में रामपुर में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कैमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल हुई। मामला रामपुर के MP MLA कोर्ट पहुंचा और MP MLA कोर्ट पहुंचने के बाद जयप्रदा के खिलाफ जो कार्रवाई थी वो लगातार की गई, जिसके बाद कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद जयप्रदा आज रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट पहुंची और 313 CRPC के तहत पूर्व सांसद जयप्रदा के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। बहरहाल अगली सुनवाई के लिए जो तारीख है वो 2 मई की तारीख रामपुर के MP MLA कोर्ट ने मुकर्रर की है और अगली सुनवाई के दौरान जयप्रदा रामपुर के MP MLA कोर्ट में हाजिर रहेंगी। बहरहाल 2 तारीख को क्या जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर जयप्रदा को रामपुर के MP MLA कोर्ट से कोई राहत मिलेगी। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट में होनी थी राहुल गांधी की पेशी, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं आए। आपको बता दें पूरा मामला 6 साल पुराना है, जहां कर्नाटक विधानसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक अभद्र टिप्पणी अमित शाह पर की गई थी। उससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था, जिसका मुकदमा बदस्तूर जारी है। आपको बता दें 20 फरवरी को सुल्तानपुर में उपस्थित हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने 25,000 की 2 मुचलकों पर जमानत दे रखी है। आपको बता दें पिछले 12 अप्रैल को एक डेट दी गई थी जिसमें राहुल गांधी नहीं आए थे, उसमें MP MLA कोर्ट के जज अवकाश पर थे। आग बता रहे डेट बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दी गई थी, जो कि आज का दिन है। आज भी जज के अपेयरेंस के चलते कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और आगामी डेट 2 मई लगा दी गई है।
सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया। हरदोई से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपको बताते हैं, एक स्टाफ नर्स की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वहीं पे उसके पति को जब ये खबर लगी तो उसके पति ने भी आत्महत्या घर में ही कर ली। और आपको बता दें कि उसने घर के पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर, दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि जो महिला जो मरी है सड़क हादसे में, वो स्टाफ नर्स थी जो कि सुरसा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और टड़ियावा सीएससी में वो कार्यरत थी। हालांकि अब आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों को शव को कब्जे में भेज दिया है और पुलिस उसके आगे की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में लगी हुई है। आखिरकार पुलिस उस वाहन का भी पता कर रही है, किस वाहन ने उस महिला को टक्कर मारी थी जो उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस पूरे सारे पहलुओं पे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में ग्रामीणों ने युवक को बनाया बंधक। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। को बंदी बनाकर तालिबानी सजा दिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है और जमकर पुलिस के बारे में इस पूरे मामले में टिप्पणियां भी हो रही। बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि स्थानीय पुलिस भी लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची और मातमूक दर्शक बनी हुई देखती रही। तो आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां ममनी गांव में एक युवक को चोरी के शक के आधार पर ग्रामीणों ने बंधक बनाया और बंधक बनाए जाने के बाद उसको तालिबानी सजा दी गई। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस को दी गई तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को छुड़ाने के बजाय वो मात्र पूछताछ कर रही, तो ऐसे में पुलिस भी सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार पुलिस को पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर रखा है और साफ तौर पर कहा गया है कि क्षेत्र में दबंगों का किसी तरह का कोई इकबाल न रहने पाए, खाकी एक्टिव मोड में रहे, तो ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा युवक को बंधक बनाकर उसको तालिबानी सजा दी जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ पुलिस मात्र मूक दर्शक बनी हुई देख रही है। तो ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्षेत्र में पुलिस का इकबाल है और किस तरह से दबंग और अपराधी इस समय बुलंदी पर हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि क्षेत्र में खूब ऐसी छींटाकसी हो रही है, पुलिस पर टिप्पणियां भी हो रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में रायबरेली पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं जारी किया और ना ही किसी प्रकार को लेकर अपनी सफाई पेश की है, क्योंकि साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी हुई मात्र मूक दर्शक बनी है और दूसरी तरफ युवक को पेड़ में रस्सी से बांधकर उसको तालिबानी सजा दी जा रही है। तो ऐसे में आप स्वयं इस पर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रायबरेली पुलिस का इकबाल है और किस तरह से खाकी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ तालिबानी सजा दी जा रही, दूसरी तरफ पुलिस मात्र मूक दर्शक बनी हुई देख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी प्रकार का कोई ना ही बयान जारी हुआ है, ना किसी प्रकार की बात सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया को किसी तरह से पुलिस ने बताया है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा जो सजा दी जा रही है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्यवाही स्थानीय पुलिस करती है और किन लोगों को हिरासत में लेकर क्या कार्यवाही सुनिश्चित करती है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वाइज के साथ। नमस्कार।